न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। एकता कपूर के बेटे नामकरण में पहुंचे टीवी और बॉलीवुड जगत के सितारे। एक बार फिर बागी सीरीज में होने जा रही है श्रद्धा की वापसी। देश भर की 12 महिलाओं को मिला स्वच्छ शक्ति पुरस्कार। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मुंबई, कुछ टाइम पहले ही एकता कपूर सेरोगेसी के जरिए एक बेटे की माँ बनी है। उनके घर में एक नन्हा मेहमान आया है। इस खास मौके पर एकता ने बेटे का खास अंदाज में नामकरण किया। यहाँ बॉलीवुड से लेकर टीवी जगत के सभी सितारे एकता को बधाई देने पहुंचे। बेटे के नामकरण सेरेमनी में एकता पीले रंग के ट्रेडिशनल आउटफिट में नजर आई है। एकता के चेहरे पर मां बनने की खुशी साफ साफ छलक रही थी। वहीं इस दौरान एकता के भाई तुषार कपूर, भतीजे लक्ष्य और बाकी के घर वाले भी मौजूद थे। हैदराबाद, बागी सीरीज में एक बार फिर श्रद्धा कपूर की एंट्री हो गई है। जी हाँ, बागी 3 के लिए साजिद नाडियाडवाला ने टाइगर श्रॉफ के अपोजिट श्रद्धा कपूर को लेने का फैसला किया है। फिल्म के प्रोड्यूसर की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जा चुकी है, लेकिन रिलीज डेट को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं दी गई। कुरुक्षेत्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कुरुक्षेत्र पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, साथ ही देश भर की 12 महिलाओं को स्वच्छ शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। इस दौरान पीएम ने स्वच्छ भारत संकल्प सिद्धि ई पुस्तक का विमोचन भी किया। इन महिलाओं को मिला है सम्मान। लक्ष्मीबाई जाट मध्य प्रदेश, पिंकू उराव पलामू झारखंड, रेखा रानी थारवा पंचकुला हरियाणा, पुष्पा रानी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, रीटा रानी मोहाली पंजाब, मोदी भाग्यशाली तेलंगाना, राधिका तमिलनाडु, शानुबाई दादर नगर हवेली, अमृताबाई दमन दीव, नसीमा बेगम जम्मू कश्मीर। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।